हमारे बहुत सारे श्रोताओं को ये पता शायद होगा कि गौरांग प्रभु ने ये जो हार्मनी विद एनवायरनमेंट, जो नेचर है, उसके अंतर्गत गोवर्धन इको विलेज मुंबई के पास क्रिएट किया है, जो 100 एकर्स के एरिया में है और बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने में जो गरीब लोग थे उनके घर में एक बैल हुआ करता था, एक घोड़ा भी हो सकता था। आजकल बहुत अमीर होना पड़ेगा एक घोड़ा रखने के लिए या एक गाय भी घर में रखने के लिए सामान्य तरीके से। तो आपके इस जो आपका अभियान है, जो इको विलेज आपने क्रिएट किया है, उसके अंतर्गत आपने क्या चैलेंजेस देखे कि सामान्य जनता में इसको अपनाने का, बैक टू नेचर जाने का, मैं उसमें क्या बाधाएं हो सकती हैं, व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं? आज भारत में 80 करोड़ लोग गांव में रहते हैं, 50 करोड़ लोग शहर में रहते हैं। एक बार व्यक्ति गांव से शहर में आता है, वापस गांव नहीं जाना चाहता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी त्याचे ज्योतो नगरादि ग्राम। इस्कॉन 750 मंदिरों में विश्व में फैला हुआ है, लेकिन मूलभूत शहरों में ही है। भारत में इस्कॉन के जो है, भारत के 758 डिस्ट्रिक्ट है भारत में, उसमें 208 डिस्ट्रिक्ट में इस्कॉन पहुंच पाया है। 550 डिस्ट्रिक्ट अभी इस भारत के ऐसे हैं जहाँ पे इस्कॉन का दूर दूर तक एक घर भी नहीं है जहाँ पर भगवान का वहाँ पर नाम ले रहा हो या फिर हमारे गीता भागवत से संबंधित। तो कई इस तरह से विचार के साथ हमने सोचा कि इस्कॉन केवल शहर में ही क्यों सीमित रहे, गांव तक भी पहुँचे। तो सबसे पहले गोवर्धन इको विलेज इस्कॉन का ग्रामीण क्षेत्र का प्रयास। दूसरा, प्रभुपाद जी ने 7 पर्पज इस्कॉन में से छठा पर्पज दिया, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये हम लोग उस सभी गांव में, सिंपल लिविंग तो ऑटोमेटिक है, हाई थिंकिंग नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि गांव गांव में प्रचार किया जाए। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट भारत के गरीब वर्ती डिस्ट्रिक्ट में से, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का पड़ोसी है, लेकिन 27,000 रुपये पर कैपिटा पर एनम का एवरेज इनकम है, गरीबी के गर्त में है। तो उन गरीब लोगों के बीच में कैसे हम गीता भागवत पहुँचाएँ? तो हमने सोचा कि परमार्थ देने के पहले उनको आर्थिक विकास भी करवाना आवश्यक है। तो आर्थिक विकास के लिए हमने वहाँ पर ग्राम विकास की योजना तैयार की, और वहाँ पर ग्राम विकास के अंतर्गत कृषि हम सिखाते हैं। कई कई लोग कृषि छोड़कर फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो हम फिर से उनको जो है सेंद्रीय खेती और विशेष गाय बैल से उत्पन्न जो गोबर से खाद बनाना, और अलग अलग प्रकार से मैन्योर तैयार करना, जीवामृत तैयार करना, और मल्टी क्रॉपिंग जिससे साल भर उनको आमदनी मिले, एग्रीकल्चर जो कि शॉर्ट टर्म है, फ्लोरिकल्चर मीडियम टर्म है, और हॉर्टिकल्चर लॉन्ग टर्म इनकम। मतलब एक बार आपने आम का पेड़ लगा दिया तो आपको फिर हर साल वो आम देता रहेगा, तो उसको लॉन्ग टर्म इनकम का व्यवधान कहते हैं। चावल का लगाया तो शॉर्ट टर्म है, अभी लगाया, 4 महीने बाद आपको फिर उसको निकालना है। और फ्लावर्स जो है, एक बार लगा दिया बार बार वो देते रहेंगे, मीडियम टर्म उनको। और इसके साथ साथ हमने उनके वो एक गाय रख कर कैसे वो देखभाल कर सकें। तो गोवर्धन इको विलेज तो केवल एक एयरपोर्ट जैसा है, जिसमें 120 कमरे एसी के बनाए हैं, जिससे शहर का आदमी बिना भय के आके गांव में आने के लिए साहस कर सके। वहां रहने के बाद फिर हम लोग लगभग 125 गांव में सक्रिय रूप से ग्राम विकास का कार्यक्रम कर रहे हैं, और न केवल उनको आर्थिक आमदनी बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको गीता भागवत का ज्ञान देते हुए उन गांवों में अलग अलग उत्सव जैसे रथ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि मनाते हुए उनको सक्रिय रूप से सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग बना रहे। और इसका परिणाम बड़ा अच्छा है, और लगभग हमारे 10,000 किसान पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में गीता भागवत का पाठ कर रहे हैं। लगभग 2-3 हजार किसान और उनके परिवार के गण भगवान का नाम ले रहे हैं। 1,000-1,500 किसान के परिवार
अलग अलग धाम में यात्रा के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जो प्रयास किया है ये इको टूरिज्म एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट, इस नाम से UNWTO ने 2017 में हमको भारत की ओर से सम्मानित किया था। तो ये प्रोजेक्ट शहर और गांव को जोड़ने के लिए, शहर के लोगों को चाहिए पीस, गांव के लोगों को चाहिए पैसा। तो हमने सोचा पीस और पैसा को कैसे जोड़े, तो पीस के लिए हमने वेलनेस सेंटर बनाया जिसमें विजडम, आयुर्वेदा और योगा, WAY, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो ये तीनों बातें हम लोग वहाँ पर देते हैं जिससे शहर के लोगों को लगे कोई रेलेवेंस है हमारे लिए, और फिर गांव के लोगों के लिए हम ग्राम विकास करते हुए इस प्रकार दोनों को जोड़ते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। और रिसेंट में एक स्किल डेवलपमेंट का 70,000 square feet का एक बहुत बड़ा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने तैयार किया। और आशा है कि इस मॉडल को देख कर धीरे धीरे इस्कॉन के सभी सेंटर्स गाँव में अपने प्रचार के कार्यक्रम को आरंभ करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि इस्कॉन में अगर एक सफल मॉडल तैयार करो तो दूसरे सेंटर्स उसको देखकर अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी तक हम लोग शहरों में प्रचार करने में बहुत सफल रहे हैं, लेकिन बहुत विशाल मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र अभी तक पूरी तरह सपाट हैं, खाली हैं, रिक्त हैं। कोई दूर दूर तक अभी तक वहाँ पर गीता के विषय में जानकारी लोगों तक नहीं पहुँची है। तो ये अवसर भी है भक्तों के लिए, वहाँ पर पहुँचे और लोगों को ज्ञान दें। बहुत बड़ी समस्या, लोगों के आर्थिक विकास भी कर दो गाँव में, इतने व्यसन हैं, बुरी आदतें हैं कि आधा से ज़्यादा पैसा तो उनका केवल शराब में, नशे में चला जाता है। पंजाब के अंतर्गत देखो तो 2,000 crore वर्थ ड्रग्स हर रोज भारत के अंदर स्मगल हो रहे हैं। पंजाब की युवा पीढ़ी तो घुटने टेक चुकी है, इतने ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसलिए गीता के अंदर इतना ज्ञान है और इस्कॉन के प्रचार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जब भगवान का नाम और भक्ति के मार्ग से लोगों को जोड़ते हैं तो अपने आप वो लोग नशामुक्त हो ही जाते हैं, उनकी आदतें सुधर जाती हैं, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के निकट आते हैं। तो समाज को बचाने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी लाइफ का एक आह्वान किया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, प्राकृतिक परिवेश को साथ में रखते हुए उसमें समन्वय बनाते हुए लोगों को स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट तीनों को एक सूत्र में जोड़ते हुए हम ये गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, आपने योगा की चर्चा की, तो आजकल हम देख रहे हैं कि जब प्रभुपाद ने इस्कॉन की शुरुआत की तो विदेशी बहुत भारत में आए पहली बार, हालांकि हमारे बहुत सारे महान हस्ती, तो उसके बाद जब प्रभुपाद गए तो बहुत सारे विदेशी भक्तों के साथ यहाँ आए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि विदेशी भक्त कम दिखते हैं। क्या इसका वजह ये है कि हमारे भारतीय लोग विदेशी हो गए हैं हमारे तौर तरीके में, इसलिए सिर्फ वो जुड़ रहे हैं, या विदेशी अपने आप योगा में और दूसरे चीज़ों में हैं इसलिए यहाँ ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, क्या वजह है इसका? हाँ, आरंभ के दिनों में जब प्रभुपाद जी 1977 तक सक्रिय थे, प्रभुपाद जी की लीलाएं 1977 में नवंबर में प्रभुपाद जी ने अपने लीला समापन की, तब इस्कॉन के विश्व भर में 108 मंदिर थे, उसमें 5 मंदिर केवल भारत में थे, कलकत्ता, मायापुर, वृंदावन, मुंबई और हैदराबाद। 103 मंदिर भारत के बाहर थे, 5,500 प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिसमें केवल भारतीय 20 थे। 80s के दशक में उस समय के जो पाश्चात्य देश के लीडर्स विश्व के कोने कोने में उत्तरदायित्व संभाल रहे थे, अभी भी उतने परिपक्व नहीं थे आध्यात्मिक रूप से, और जवान भी थे, उम्र भी कम थी। उन कई कारणों से उन लीडर्स में से कई लोग डामाडोल हो गए और भक्ति के पथ से वो भ्रष्ट हो गए, और उस समय हजारों की संख्या में उन मंदिरों के अंदर उनके जो अनुयायी थे उनकी श्रद्धा का नाश हुआ और वो लोग जो भक्ति को छोड़ के गए।
आज भी वो मंदिर जो खाली हुए अभी तक भर नहीं पाए, वो पाश्चात्य देश के वर्ग के लोगों के अंदर वो प्रभाव अभी तक नहीं पड़ रहा। अच्छा, लेकिन 2000 के दशक के बाद जब सॉफ्टवेयर बूम आया और इंडिया से जब सॉफ्टवेयर के इंजीनियर जाने लगे, तब भारतीय होने के नाते वो सब परिवार को थोड़ा मंदिर लेके जाना चाहते थे, तो सब मंदिर खोजने लगे, मंदिर कौन से तो सबसे ईजी हो, इस्कॉन का मंदिर मिल गया। तो बहुत सारे इंडियन सॉफ्टवेयर जो लोग हैं वो इस्कॉन मंदिर में जाने लगे अमेरिका में और लंदन और बाकी दूसरे जगह में। तो प्रभुपाद जो डिसाइपल थे, कुछ लोग जो लीडर्स थे वेस्टर्न, वो अभी भी थे और उनके आसपास उनकी सहायता करने के लिए इंडियन जो कॉन्ग्रीगेशन, तो ये अभी का मैक्सिमम मॉडल अभी चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। तो पिछले 10-15 सालों में कई प्रयास हुए हैं और उन प्रयासों के अंतर्गत धीरे धीरे फिर पाश्चात्य देश के लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्योंकि हम लोगों के नियम भी काफ़ी कड़क हैं और पाश्चात्य देश 25 साल 30 साल की तुलना में 40 साल पहले की तुलना में और लिबरल होता चला गया, तो हम लोग हैं, हमारे जो शिक्षाएं हैं बड़े कंजर्वेटिव हैं, समाज बहुत ज़्यादा लिबरल होता जा रहा है, तो इसके बीच भी एक बहुत बड़ा द्वंद्व आ गया है। और कई प्रचारक अपने अपने प्रयत्नों से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कठिन है लेकिन असंभव नहीं, और मुझे आशा है कि इन सभी भक्तों के समवेत प्रयास से विश्व के कोने कोने में, और हाँ पाश्चात्य देश जब मैं कहूँ तो अफ्रीका की भी बात करता हूँ, साउथ अमेरिका की भी बात करेंगे, US, UK, यूरोप, मतलब भारतीय जो बॉर्न हिंदू को छोड़कर जितने लोग हैं उन सभी के अंदर भी सनातन धर्म के प्रति जो रुचि है उसको जागृत करने का प्रयास इस्कॉन कर रहा है। आपने इतना सुंदर तरीके से जो समस्याएं हैं आजकल उसको हमारे सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।